सर आपने अपनी कीमती मसरूफियात में से चंद लम्हात निकाले, इस महफिल को रौनक बख्शी। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आंखें बिछाए आपका इंतजार कर रहा था सर, थैंक यू सो मच, प्लीज टेक अ सीट। हम फॉर्मली एक दफा फिर बीइंग अ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग इंतहाई मशहूर हैं रईस जामिया जनाब प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर साहब के। सर आपने बहुत कीमती वक्त में से चंद लम्हात हमारे लिए निकाले, हमारी महफल को रौनक बख्शी। आपको फर्दर वेलकम करने के लिए फॉर्मल वे से मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर यासर न्याज साहब से। सर प्लीज। Thank you very much, Dr. Shehbaz. Once again, I came to you guys. Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Respected faculty members, chairman department, aur intihai qabil-e ehtram students, assalamu alaikum. मेरे लिए ये खुशी का मौका है कि मैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के नए आने वाले बच्चों को और जो उनके सीनियर्स हैं आज उनसे बात कर रहा हूँ। और स्पेशली ये मैं देखता हूँ कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बच्चे स्टूडेंट्स मेल फीमेल सब बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ही मोटिवेटेड हैं। इनकी यूनिवर्सिटी में कंप्लेंट्स भी कम हैं और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और मैं समझता हूं कि ये अच्छे स्टूडेंट होने के साथ साथ अच्छे इंसान भी हैं। अब कई लोग कह रहे हैं नहीं ये मैं शायद गलत कह रहा हूं पिछले वाले बोर्ड मैं नहीं हूँ, मेरे लिए आप बहुत अच्छे हैं, अगर कोई नहीं है तो वो अच्छा हो जाए। बेटा ऐसे इवेंट्स में इंसान वो सीखता है जो किताबों से नहीं मिलता। ऐसी गैदरिंग्स में वो लर्निंग होती है जो क्लासरूम या किसी लैब में नहीं पॉसिबल नहीं है। हम इंसान हैं, हमारा काम पैदा होने से लेकर मरने तक सीखने का अमल है। तो जब आप सराउंडिंग्स में देखते हैं तो यू फील कंफर्टेबल कि जब आप समझते हैं हम एक जैसी एनवायरनमेंट में सब लोग बैठे हुए हैं तो इम्प्रूवमेंट स्मॉल सेगमेंट में होती है, ऑल टुगेदर नहीं होती। अगर आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है तो रोज एक अच्छी चीज अपने में ऐड कर लें, हर रोज एक नया लफ्ज सीख लें। पढ़ने का नाम नहीं, सीखने का नाम जिंदगी है। तो मैं चाहूंगा कि जिस तरह आज आप लोगों ने एक इवेंट जीता तो उस पे आपको मुबारकबाद दूं और आप लोग इसको सेलिब्रेट ऐसे करें कि यूनिवर्सिटी में कोई भी इवेंट हो, यूनिवर्सिटी में कोई भी सोसाइटी हो, यूनिवर्सिटी के बाहर कोई भी इवेंट हो या किसी सोसाइटी से रिप्रेजेंटेशन हो तो आपके डिपार्टमेंट की या आपको खुद सोचना चाहिए कि मैं एजुकेशन के साथ साथ मेरे पास दो ऐसी एक्टिविटीज हो कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो पूछे कि जी आप एग्रीकल्चर के अलावा क्या कर सकते हैं, क्या आप में प्लस पॉइंट हैं तो आप बता सकें जी कि मैं डिबेटिंग में बहुत अच्छा हूं, मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हूं, मैं इवेंट ऑर्गेनाइज करने में बहुत अच्छा हूं, मैं नात खानी में बहुत अच्छा हूं, मीन व्हाटसोएवर इज। तो दुनिया में कामयाब होने के लिए मैं उधर भी बच्चों से यही बात कर रहा था रिपीट और अक्सर मैं बात करता हूँ,
दुनिया में कामयाब होने के लिए आपको CGPA आपकी डिग्री 7% कंट्रीब्यूट करती है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू इस चीज को फोकस करता है, रिसर्च से पता चला है, जबकि 93% आपकी कामयाबी आपकी डीलिंग, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपकी लर्निंग आउटकम, आपकी पर्सनैलिटी से आती है। हम यूनिवर्सिटीज में व्हाट वी आर डूइंग, हम 7% पे तो बहुत तवज्जो देते हैं, 93% पे तवज्जो ही नहीं देते। आज के बाद आपको ट्विस्ट करना चाहिए। अब देखिए, आप कैंटीन पे जाते हैं, वहां बैठने का स्टाइल, दोस्तों के साथ खाना शेयर करना या चाय शेयर करना, ये एथिक्स है, ये डीलिंग है, जिंदगी गुजारने का तरीका है। बहुत से लोग कहते हैं कि जनाब वो कैंटीन पे सारा दिन बैठते थे, लेकिन जब जॉब्स आई हैं तो वो जो टॉपर था वो रह गया है, लेकिन वो कैंटीन पे बैठने वाला जॉब ले गया। उसकी रीजन कभी जानी आपने? वो समझता है हमने सोसाइटी में मूव करना है। आपकी सिर्फ CGPA या आपकी वो जो पढ़ने लिखने की एबिलिटी है, उसके साथ साथ और बहुत सी चीजें। अब पॉजिटिविटी नेगेटिविटी ये कैसे पता चलेगा? व्हेन यू डील विद अदर्स, आपके फ्रेंड्स कितने हैं, फ्रेंड्स मेंटेन कितने हैं, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, सीनियर से बात कैसे करनी है, जूनियर को कैसे गाइड करना है, ये कौन बताएगा? ये जब तक आप इस फेज में से नहीं गुजरेंगे आप नहीं, ये प्रैक्टिकल थिंग्स है, यू हैव टू लर्न आउटसाइड द क्लासरूम्स। तो बेटे मेरी ख्वाहिश है कि जब आप यहां से डिग्री करके जाएं, आप अच्छे मैनेजर हों, आप अच्छे इंसान हों, आप अच्छे लीडर हों। सिर्फ डिग्री ना हो आपके हाथ में, आपके हाथ में स्किल मौजूद होनी चाहिए ताकि आप अच्छे लीडर के तौर पे साबित हो सकें। तो ये इसी के साथ मैं आपको, चूँकि खाना भी आपका तैयार है और मैथ वाले खाना शुरू कर चुके हैं, तो पीछे कई ग्रुप हैं जो कह रहे हैं कि यार खाना पड़ा है या नहीं पड़ा। बहरहाल एक एंड पे मैं छोटी सी बात पे आज मॉर्निंग में भी शायद की, ये बहुत बड़ी कि मोहब्बत प्यार से रहना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ इखलाक से, एक दूसरे के साथ खलूस नीयत से। तो इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए मॉर्निंग में भी मैंने कहा था, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, चलिया जी नू जी हुंदी है और मोहब्बत की हुंदी है। दोबारा से तो मेरे साथ आप कहेंगे, चलिया जी नू जी हुंदी है और मोहब्बत की होंगी है। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान पैंदावा। थैंक यू वेरी मच सर, वर्दी वाइस चांसलर फौजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सर मैंने दोबारा स्टेज पे नहीं आना था, लेकिन आपने मुझे शेर सुना के तंग छेड़ दिया थोड़ा सा। आपकी नजर सर एक शेर करूंगा फिर इवेंट चले। अच्छा जी जी, खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए, तशरीफ रखिए सर प्लीज, खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए, मैं घर से निकला था बाजार देखने के लिए। कितार में कई नाबीना लोग शामिल हैं, अमीर शहर का दरबार देखने के लिए। हर हर्फ से चिंगारियां निकलती हैं, कलेजा चाहिए अखबार देखने के लिए। और आखिरी शेर सर आपकी नज़र करता हूं कि हज़ार बार हज़ार सिमत देखता हूं, तरस गए हैं तुझे एक बार देखने के लिए। जजाक अल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच। अपनी भरपूर तालियों में सर का शुक्रिया अदा करते हुए खड़े हो के सर को थैंक यू सर का करें।